जाहिर है आरजेडी ने बड़ा घटक होने के नाते उस विचारधारा को सम्मान करना चाहिए था जो नहीं किया। किसका हैसियत क्या है इस चुनाव में पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। पटना पहुंचे कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने राजद को जमकर खरी खोटी सुनाई है। साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि 19 विधायकों का, अगर कांग्रेस के 19 विधायकों का समर्थन राजद को नहीं चाहिए तो कौन है वो जो पीछे से समर्थन कर रहा है राजद को। क्या कुछ कह रहे हैं सवाल पूछते हुए राजद से भक्त चरण दास, जरा आप वो सुनिए। आज हम लोगों का तैयारी के संदर्भ में, दो उपचुनाव के संदर्भ में हम लोगों का बैठक हुआ था। इसमें तय हुआ कि हमारे 51 लोगों को लेके एक चुनाव संचालन समिति बनी है, जिसमें कुशेश्वर स्थान में वहाँ अखिलेश सिंह जी हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जो हैं, वो उनके नेतृत्व में अध्यक्षता में वहाँ चुनाव संचालन होगा। उनके साथ कौकब कादरी जी को चेयरमैन रहेंगे और तारापुर में समीर सिंह जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, उनके नेतृत्व में होगा और उनके साथ अमिताभ भूषण जी को चेयरमैन रहेंगे। और करीब 12 विधायक रहेंगे कुशेश्वर स्थान में और लगभग 7 विधायक रहेंगे, विधायक और एमएलसी मिलकर रहेंगे हमारे तारापुर में। एक मजबूत लीडरशिप रहेगा और हर बूथ में हमारे मजबूत कार्यकर्ता काम करेंगे। महागठबंधन में जो अब ये हुआ फैसला बिना आपको बताए हुए, इस पर सर क्या कुछ? महागठबंधन की बात तो अभी उठ नहीं रहा है, उन्होंने तो महागठबंधन को सम्मान नहीं किया और पहले से कैंडिडेट घोषणा कर दिया। हमारा सीट कुशेश्वर स्थान था, उसको उन्होंने नहीं दिया, तो इसलिए हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये कोई फ्रेंडशिप की लड़ाई नहीं है और ये जीतने की लड़ाई है। कांग्रेस पहली बार अपनी पूरी ताकत के साथ ये दोनों चुनाव लड़ रही है। नहीं, राजद कह रही है कि लगातार आपसे बातचीत हो रही थी, बातचीत हुई है आपसे और उसके बाद आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन कौन कर रहा है? सीट किसका था? सीट हमारा था या उनका था? बातचीत आपसे हुई? नहीं, आप कहो ना, कुछ बातचीत से क्या हुआ? आरजेडी तो ये कह रही है कि स्ट्राइक रेट कांग्रेस नहीं देख रही है, सिर्फ हट कर रही है। तो आरजेडी हमको विरोधी समझता है क्या? विरोधी का स्ट्राइक रेट देखा जाता है, हमारा स्ट्राइक रेट उनका स्ट्राइक रेट नहीं है। उनकी स्ट्राइक रेट को तो हम अपने स्ट्राइक रेट समझते हैं। वो आज 75 है तो हमारे 19 तो उनके साथ है ना, है कि नहीं? नहीं है बोलते हैं वो। जब हम उनके साथ हैं तो उनकी अचीवमेंट से हमारा अचीवमेंट है, तो हमारा अचीवमेंट करा के एक हमारा जीत के आता ना तो उनके साथ रहता ना, कि भाजपा को समर्थन करता बताइए। तो उनका राजनीतिक समझ में कहीं ना कहीं गलत है। जो समझना चाहिए गठबंधन के साथी को, अपना समझना चाहिए। हम उनको अपना समझते हैं आज भी, क्या वो हमको अपना समझते हैं? ये सवाल उठता है। राजद हो या लालू हो, किन्हीं को आप पर भरोसा नहीं कि आप वहां पे जीत हासिल कर सकते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, उन्होंने तारापुर में कितने हजार वोट से हारा था? 7,000 से ऊपर वोट से हारा था। हमने कुशेश्वर स्थान में कितने वोट से हारा था? 6,000 वोट से हारा था। तो उन पर भरोसा है कि वो जीत सकते हैं, पर हमारे पर भरोसा नहीं। उनसे कम वोट में हम हारे हैं, वो हम नहीं जीत सकते, ये क्या जायज है? गठबंधन में साथ रहेगा या इस पर कुछ आप लोग सोच रहे हैं? वो उनको सोचना है, बड़े भाई को सोचना है ना। वो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं ना, स्ट्राइक रेट जिसका हाई है उसको निर्णय लेना पड़ता है। उन्होंने तो निर्णय ले लिया, आप लोग को बिना बताए हुए कैंडिडेट घोषणा करते हैं। हाँ, तो हमने भी अपना निर्णय लिया है, शुरुआत उन्होंने क्या है? हमने नहीं तोड़ा, हमने निभाया है उनके साथ और आज हमारे साथ नहीं देना चाहते हैं। हमारा 19 उनको जरूरत नहीं है, सवाल है तो हमारा 19 जरूरत नहीं, तो कोई बड़ा दल का उनको समर्थन है क्या? कौन सा है वो दल? क्या 19 विधायक अपने समर्थक विधायक को कोई छोड़ देता है? ये छोड़ने का समय है एक सीट के लिए। अगर एक सीट के लिए छोड़ना है तो उससे राजनीति क्या है, ये भी तो स्पष्ट हो। आरजेडी स्पष्ट कर चुकी है कि हम डमी चेहरों के साथ नहीं चुनावी मैदान में आना चाहते थे, कांग्रेस अपना चेहरा बदलना नहीं चाहती थी, ये भी एक बड़ी वजह है। तो किसका मजबूत चेहरा है? पिछले चुनाव में भी हमारा चेहरा उनके चेहरा की तुलना में मजबूत था और आज भी हमारा चेहरा
कोई कम नहीं है, हम कोई डोमी चेहरा नहीं आ रहे। अशोक राम जी एक वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, 5 बार वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या उसको आप डमी चेहरा कहेंगे? नहीं तो इस चुनाव डिटरमिन करेगा, ये चुनाव निर्णय करेगा कि गठबंधन क्या होगा। घटक को सोचना चाहिए कि हमारे प्रति अन्याय हुआ है, जो विचारधारा पे हम लोग एक हुए थे कि हम सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ हम लोग एक हुए थे, हमारा एजेंडा सेकुलर सेंट्रिक डेमोक्रेटिक है, हम एक हुए थे। तो अगर हम जिस विचारधारा पे एक हुए थे वो विचारधारा का क्या हुआ, उस विचारधारा का खंडन किसने किया? जाहिर है आरजेडी ने बड़ा घटक होने के नाते उस विचारधारा को सम्मान करना चाहिए था जो नहीं किया। क्या हमारा वोट उनको ट्रांसफर नहीं होता था? हमारे चलते जो वोट उनको मिल रहा है उस वोट के बारे में उन्होंने चिंता नहीं किया? कांग्रेस का भी तो वोट बैंक है ना, और उन्हीं का फायदा उनको मिला है तब ना वो जीते हैं। सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि आपकी हैसियत राजद ने दिखा दी है, आपसे बिना कोई पूछे हुए किसका हैसियत क्या है इस चुनाव में पता चलेगा, किसका हैसियत क्या है इस चुनाव में पता चल जाएगा। तो आपने सुन लिया भगचंदास को, जो साफ तौर पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि गठबंधन का सम्मान राजद ने नहीं किया है, और यही कारण है कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उठाए हैं और जीत भी कांग्रेस ही दर्ज करेगी। साथ ही साथ यह भी सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं भगचंदास की 19 विधायकों का, अगर कांग्रेस के 19 विधायकों का राजद को समर्थन नहीं चाहिए तो कौन है वो जो पीछे से राजद को समर्थन कर रहा है? तो एक बड़ा सवाल अब भगचंदास ने उठा दिया है राजद पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या राजद इन तमाम सवालों का जवाब देगी। हम तमाम तस्वीरें से लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।